कुछ पक रहा है अंदर आपके कॉन्फिडेंस को देख करके, ये कॉन्फिडेंस क्यों है आपको इतना? नहीं, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अगर आप जनता के लिए सच्चे मन से कुछ कर रहे हैं तो। जो नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 साल के कार्यों की गूंज है वो दिल्ली की जनता पे निश्चित रूप से अपना असर करेगी, और जनता जो भी आज जनादेश देगी। मनोज जी, सीटें कितनी आ रही हैं? हम भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली सरकार में आ रही, सीटें बताइए ना। आप 48 कह रहे थे पहले, अब तो जो कह दिया है वो कह दिया है, जब तक रिजल्ट नहीं ना है? आज फिर बोलिए। मैं हमारा तो मन जो मैंने कहा है अभी भी 48 प्लस सीट का है। अच्छा। अगर वो 55 भी हो जाए तो आश्चर्य मत। हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, 48 आ रही है तो बीजेपी को फीडबैक है। आपको मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा अशोक भाई बहुत जल्दी। मुख्यमंत्री क्यों? आज हनुमान जी का नाम लीजिए और मैं पंडित दीनदयाल जी की आज बलिदान दिवस मनाने चल रहा हूँ। देखो मैं, हम लोग सबके समक्ष हैं, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता इस समय पूरे दिल्ली से आ करके, और अभी तो आम आदमी पार्टी के नेता निकले भी नहीं होंगे। एक सवाल, शाहीन बाग के नाम पर वोट पड़ेंगे या विकास के नाम पर? देखो अब तो वोट पड़ गए हैं, अब वोट पड़ गए हैं, अब इसकी समीक्षा हम शाम को करेंगे। आज ये आपने कहा था ट्वीट हमारा सेव कर लीजिए, सेव हो चुका है ट्वीट आपका। सेव रखिए, सेव हो गया आपका, 12 बजे बतियाएंगे आप। कुछ उलट फेर हो गया तब? उलट फेर जो भी होगा आपके सामने ही होगा। आज स्क्रीनशॉट दिखाने का मौका होगा ट्वीट का, 11-12 बजे के लगभग। ये देखिए मनोज तिवारी जी का ट्वीट, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अच्छा मनोज भाई, अगर हार हुई तो स्वीकार कर लेंगे? अरे भाई, हर जनादेश स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि अब तो जितनी बातें करनी थी हो गई, अब जनादेश स्वीकार करने का है। हाँ, ईवीएम को दोष देने का किसी को नहीं सोचना चाहिए। सबसे आखिर मनोज जी एक सवाल, क्या हम ये मान के चले आज दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हो रही है, और ये बातचीत हम आगे चल के ये बताएंगे, देखिए सुबह सुबह आज दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई? अब तो देखिए, हमारी सरकार जब आ जाएगी, दिल्ली का आशीर्वाद जब ईवीएम से बाहर निकलेगा, तो मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। काहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 दिनों तक रखवाली की है स्ट्रांग रूम की? देखिए, रखवाली तो सबको करनी पड़ती है, यही तो चक्कर है ना, कि आम आदमी पार्टी पुरानी परंपराओं को अचानक अपना ठप्पा लगा देती है। ये स्ट्रांग रूम में हर पार्टी को रखवाली करनी ही पड़ती है, उसको नाम देना पड़ता है, ये कुछ नया नहीं है। अविश्वास क्यों? अब ये अविश्वास तो वो बताएंगे क्यों है। दावा स्ट्रांग है ना आपका? 100% हमारा दावा जो था, हमारा जो अनुमान था वो वैसे ही है। बाकी तो मनोज तिवारी अभी 48 है कि जो एग्जिट पोल आया वो गलत साबित होने वाला है? एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुआ है। कॉन्फिडेंस आपका वैसे ही है मनोज भाई, ये कुछ नीचे उतरा है? अरे बुखार है कि नीचे उतर जाएगा? कॉन्फिडेंस हमारा जो है, अब तो समय आ गया है ना, आइए देखते हैं। सब कॉन्फिडेंस सबको होना चाहिए। चर्चा है पहले ही से आप हिले हुए हैं तो इसका मतलब ठीक अच्छी बात। मनोज भाई, चर्चा है कि शपथ ग्रहण की तारीख भी तय होगी बीजेपी की ओर से? हाँ, वो अभी आपके चैनल से आने वाला है। जय माता दी। एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जनादेश का इंतजार करें, थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगी, और मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, हंसो मुस्कुराओ, जिसने जो किया सब जनता के सामने है, जनता ने अपना मत दे दिया है, अब उसको खुले दो, खुशी मन से जो होता है स्वीकार करो। बस एक सवाल, चर्चा ये हो रही है कि आप ये 48 वाला फिगर जो लेके आए, इस पे बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं, 48 कहाँ से आ गया? आपने कोई गणना की है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 1, 2, 3 ऐसा? अरे भाई, 48 नहीं तो 49 हो जाएगा। कम नहीं होगा? अरे 47 ही हो जाए तो क्या करेंगे? आपका नाम लेकर कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि कुछ दाल में काला है, ये सवाल उठ रहा है। मतलब कॉन्फिडेंस है तो काला है, ये भारत माता की जय बोलो तो काला है, वंदे मातरम बोलो तो काला है, ऐसा? पर एग्जिट पोल तो उनके साथ, सारे उनके साथ खड़े हैं। अरे भैया, तो एग्जिट पोल पे तो शपथ नहीं लेंगे ना, एग्जिट पोल आना पड़ेगा ना। कितने बेहतर मनोज भाई आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे आज, टाइम बताइए। अरे भाई, अब रिजल्ट आना है, ट्रेंड क्लियर कब तक हो जाएगा? आप आज हमसे ऐसा कुछ, अब तो देखो, आज तो सब कुछ समक्ष है ना, तो अब सब कुछ समक्ष है तो उसको आने दीजिए, खुलने दीजिए। बीजेपी का बनेगा ये तय है? अरे
मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीएम बनेंगे, हमने जो कहा है तो सवेरे सवेरे देखो बहुत मजे ले रहे हो, खुश रहो, ये खुशी ठीक है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये सब पॉलिटिकल मामला है ना, आप तैयार हैं सीएम बनने के लिए अगर आप जीतते हैं तो? अरे भाई, हम लोग सीएम बनाएंगे। बनाएंगे आप लोग? हम लोग आज सीएम बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला आएगा। शाहीन बाग का क्या होगा, आज ये बता दीजिए, शाहीन बाग का आज क्या होगा? अब वो देखते रहिए, शाहीन बाग खाली हो जाएगा, आपने जो कहा शाहीन बाग एक बहुत गलत प्रयोग है और उसका निराकरण होना चाहिए। आपने कहा था आज खाली हो जाएगा शाहीन बाग, बीजेपी जीतेगी, इस पे अटल हैं आप, अभी भी अडिग हैं आप? हाँ, तो देखिए ना, वो अब शाम तो होने दीजिए, कॉन्फिडेंस आपका वैसा ही है। कितना बड़ा दिन और क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है आपको? बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, जितना बड़ा है उससे बड़ा दिल्ली के लिए है। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बलिदान दिवस है, हमारे सभी पदाधिकारी आ गए हैं, आप लोग भी आइए। केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार फिर से रिपीट करने वाले केजरीवाल 2.0। अरे तुमको कहना भी चाहिए यही, और क्या कहना चाहिए, मगर मेरा विश्वास है कि आज दिल्ली का जनादेश भाजपा के पक्ष में होगा, 100% ऐसा मेरा अनुमान है। और शाहीन बाग क्या आज फिर से उसी दिशा में चलेगा, फिर से एक खाली होगा शाहीन बाग, आपको लगता है? खाली होना ही चाहिए। उसको खाली होना ही चाहिए। सर कितनी देर में वापस आ रहे हैं? मैं आ जाऊंगा। तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी, एक बार फिर से उन्होंने हुंकार भरी है, एक बार फिर से न सिर्फ उम्मीद जताई है बल्कि उन्होंने इस बात को साफ किया कि मैंने जो आंकड़ा दिया था वो आंकड़ा एक बार फिर से थोड़ी ही देर के बाद में वो अब हकीकत में आपके सामने आने वाला है। यानी कि 48 सीटों का एक आंकड़ा जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जिस दिन पोलिंग हुई थी उस दिन शाम में दिया था, और आज अपने उसी आंकड़े पर कायम होते हुए वो ये कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैंने जो बात कही थी वो बात सच साबित होने के लिए जा रही है।